गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के तीन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर है आई हैव टू, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे यहां आना है, आई हैव टू कम हेयर। मुझे उससे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू हर। मुझे डॉक्टर से मिलना है, I have to consult a doctor. मुझे मेरे पापा के पास जाना है, I have to go to my father. मुझे ये दवाई लेनी है, I have to take this medicine. मुझे ये दवाई लेनी पड़ती है तो भी आप बनाएंगे I have to take this medicine. यानी कि कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है तो आपको बनाना होगा have to से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है I had to, इसका मतलब है कि कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये दवाई लेनी पड़ी तो आई हैड टू टेक दिस मेडिसिन। मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हर। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे ये काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड टू डू दिस वर्क। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, I had to learn English. मुझे उसे मिलना पड़ा, I had to meet her. मुझे उसे मिलना पड़ा या मुझे उसे मिलना था या मुझे उसे मिलना पड़ता था, आप बनाएंगे I had to meet her. यानी कि तीनों का सेंस के लिए आप had to का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है I will have to. I will have to का मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहां जाना होगा, I will have to go there. मुझे इंग्लिश सीखना होगा, I will have to learn English. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा तो भी आप इंग्लिश में ऐसे ही बनाएंगे I will have to learn English, right? मुझे इंग्लिश बोलना होगा, I will have to speak English. मुझे उससे बात करनी होगी, I will have to talk to her. मुझे ये किताबें पढ़नी होगी, I will have to read this book. I will have to read this book. तुम्हें ये काम करना होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिए। धन्यवाद।